गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम लोगों ने अभी तक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, रिगार्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ अभी तक है। इसके बाद हम लोग आज कुछ बॉन्डिंग से रिलेटेड चीज पढ़ेंगे। मेटलर्जी पढ़ने से पहले बॉन्डिंग से रिलेटेड, यानी सिलेबस में है आयनिक बॉन्ड्स, उस आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ चीजों को कहेंगे। केमिकल बॉन्डिंग यूनिट, केमिकल बॉन्ड द अट्रैक्टिव फोर्स और लिंकेज बिटवीन टू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मींस एटम्स, मोलिकुल्स और आयन्स। केमिकल बॉन्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस और लिंकेज विच इन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स दैट इज एटम्स, मोलेकुल्स, आयंस विच बाइंड टूगेदर इज नोन एज अट्रैक्टिव फोर्सेस और लिंकेज इन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मोलेकुल्स, आयंस विच बाइंड टुगेदर इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। इसको हम लोग केमिकल बॉन्ड कहेंगे। दो एटम, दो मोलेकुल, दो आयन के बीच जो एटमिक फोर्सेस है उसको हम लोग केमिकल बॉन्ड कहेंगे। ये फोर्स इंटर एटॉमिक हो सकता है, इंटर मोलेकुलर हो सकता है, इंटर आयनिक हो सकता है। अब देखिए केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। cause for
formation of chemical bond. पहला कॉज है टू अचीव टू ऑप्टेन नियरेस्ट नोबल गैस कंफिग्रेशन टू अटेन अचीव नोबल गैस कंफिग्रेशन. नोबल गैस कंफिग्रेशन अचीव कर. और दूसरा कारण है स्टेबिलिटी ऑप्टेन करना. टू ऑप्टेन स्टेबिलिटी. अब ये नोबल गैसेस क्या है जो ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव है. नोबल गैसेस जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव, लगभग नॉन रिएक्टिव है. इसमें नोबल गैस तो सिक्स है, सिक्स नोबल गैसेस, लेकिन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन एंड रेडन. देर आर सिक्स नोबल गैसेस विच ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव, लगभग नॉन रिएक्टिव, रिएक्शन नहीं करता. कुछ कंपाउंड ज़ेनन का बनता है और कुछ क्रिप्टन का. हमको इस तीन नोबल गैस का कंफिग्रेशन याद रखना है, हीलियम 2, नियॉन 2-8, आर्गन 2-8-8. यही मेरे काम का है, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन. यानी हमें जो अभी पढ़ना है नियरेस्ट नोबल गैसेस कंफिग्रेशन जो अचीव करेगा कौन सी एलिमेंट्स, उसमें हीलियम का कंफिग्रेशन, नियॉन और आर्गन का कंफिग्रेशन अचीव करेगा, तो उनको याद रखना है. तो ये तीन नोबल गैसेस, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर 2, आर्गन का एटॉमिक नंबर 8, सॉरी नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18. यही कंफिग्रेशन है. अब हम लोग नाइन्थ में पढ़े हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमको याद रखना होगा. इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है.
lithium, sodium and potassium. Valence electron of lithium, sodium and potassium is 1. Beryllium, magnesium, calcium. Valence electron 2. Boron, aluminium and gallium. Valence electron 3. Carbon, silicon and germanium. Valence electron 4. Nitrogen, phosphorus, arsenic. Valence electron 5. Oxygen, sulfur, selenium. Valence electron 6. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Valence electron 7. इतने का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन याद रखना लिथियम सोडियम पोटेशियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम 2 बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम 3 कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम 4 नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक 5 ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम 6 क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन 7 एंड हाइड्रोजन 1. अब 1, 2, 3 ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है. सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और अपना नियरेस्ट नियोन का कंफिगरेशन अचीव करेगा. पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और पोटेशियम क्रिप्टन का कंफिग्रेशन अचीव होगा. फिर यहां पर मैग्नीशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैल्शियम भी 2 करेगा. मैग्नीशियम नियोन का कंफिग्रेशन अचीव करेगा, कैल्शियम आर्गन का कंफिग्रेशन. अल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके नियोन का कंफिग्रेशन अचीव. ये जो रेंज है इसका 4 है, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, शेयर करेगा. बॉन्ड फॉर्मेशन में यहां पर यूनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां होगा शेयरिंग. इस तीनों के केस में ये 5 इलेक्ट्रॉन है इसका आउटर मोस्ट, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन अचीव करेगा, गेन करेगा. और इसकी टेंडेंसी होगी गेनिंग, लूजिंग, शेयरिंग एंड गेनिंग. ये इस रेंज का जो जो एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी ऑब्टेन करेगा. ये तीनों को एलिमेंट्स है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबिलिटी ऑफ करेगा. और ये कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इलेक्ट्रॉन शेयर करके नियरेस्ट नोबल गैस कंफिगरेशन अचीव करेगा. तो हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन का जो 2 कारण देखे, एक नियरेस्ट नोबल गैस कंफिगरेशन अचीव करना और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ करना. स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने और नोबल गैस कंफिगरेशन अचीव करने में 3 तरह से हो पाता है. कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 1, 2, 3 जिसकी वैलेंसी है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और स्टेबिलिटी ऑब्टेन करेगा, नियरेस्ट नोबल गैस कंफिगरेशन अचीव करेगा. इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका 4 है वो इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा. जिसके पास इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 है वो गेन करेगा. हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, गेन भी करता है, शेयर भी करता है. सब टेंडेंसी इसके पास है. केमिकल बॉन्ड,
इस चैप्टर में हमको सिर्फ आयनिक बॉन्ड पर, वैसे बॉन्ड्स का बहुत सारा टाइप्स होता है लेकिन केमिकल बॉन्ड्स में आयनिक, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स केमिकल बॉन्ड तीन तरह का होगा, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स। ये आयनिक बॉन्ड अभी हमको पढ़ना है, इसी का डिटेल्स पढ़ते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो कार्बन एंड कंपाउंड्स फोर्थ चैप्टर मारा है उसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड ए बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट टू इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। रिपीटेड, ए बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट टू इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या हुआ भाई? जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। कौन रखता है? मेटल्स रखता है, जिसकी वैलेंस, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग देखिए 1, 2 और 3, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, वो उसके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन? जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, नॉन मेटल्स है, उसके बीच आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग एंड म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन। म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन ए बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन एज वेल एज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जैसे देखिए फ्लोरीन का 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा फ्लोरीन एटम उसके साथ जुड़ेगा, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, एक एक कंट्रीब्यूट करेगा, एक एक शेयर। ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, दूसरे ऑक्सीजन से मिलेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा, तीन तीन का शेयरिंग करेगा, इसके आधार पर वो सिंगल डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी उसके आधार पर उसका नाम रखा जाएगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन, म्यूचुअल शेयरिंग हो गया। सपोज कीजिए कि कोई बिजनेस पार्टनर 50,000 एक दूसरे को एक कलेक्ट किया, 50,000 एक 1 लाख हुआ कैपिटल। अब 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट, 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट होगा, तो 50,000 एक्स और वाई दो कम बिजनेस पार्टनर है, तो दोनों 50,000 कंट्रीब्यूट किया, ये दोनों कंट्रीब्यूट किया, दोनों रुपीस कंट्रीब्यूट किया, उसका टोटल जो आया वो कैपिटल हो गया। अब इस कैपिटल से दोनों का म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन भी है, म्यूचुअल शेयरिंग भी है, म्यूचुअल मुनाफे में शेयर भी है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा कि एक ही शेयर का दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, यहां म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। सपोज कीजिए कि
ये रुपीज 50,000, ये भी रुपीज 50,000, ये 1 लाख हुआ। ये 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट हुआ, दोनों का कंट्रीब्यूशन हुआ, दोनों की शेयरिंग हुई। लेकिन यहाँ पर एक्स 1 लाख कंट्रीब्यूट किया, वाई है कि दोनों की शेयरिंग के बाद 1 लाख कैपिटल हुआ, इसमें दोनों का शेयर है। तो फॉर प्रॉब्लम कंपाउंड्स में ए बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन एज वेल एज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ए बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग, एक जो शेयर का दे रहा है कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको कहेंगे डोनर, और दूसरा जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको एक्सेप्ट कर। खैर ये सब बात की चीज है, अभी पहले हम लोग आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं। आयनिक Thank you.
हेलो, अभी क्लास में बाद में बात करते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, कैटायन क्या है कि गैसेस स्टेट में है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कैटायन का फॉर्मेशन। अब जो मेन कैटायन है जिससे हमको जरूरत है यहां पर, उस कैटायन को देखते हैं, सोडियम 281 है इसका कॉन्फ़िगरेशन, गैसेस स्टेट में Na प्लस बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 28 क्लियर। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस आयन बनाता है। अब देखिए पोटेशियम किसका कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया, नियॉन का, ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। सोडियम अपने नियरेस्ट नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया, पोटेशियम 2881 के प्लस 288 किसका कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया, आर्गन। आर्गन का क्लियर हो गया कि सोडियम एंड सोडियम लूज वन इलेक्ट्रॉन अचीव नियॉन कॉन्फ़िगरेशन, पोटेशियम अचीव लूज वन इलेक्ट्रॉन अचीव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। मैग्नीशियम Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 282 यदि नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए कैल्शियम Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 288 to achieve configuration of argon. Sodium achieve configuration of neon, potassium achieve configuration of argon, magnesium also achieve configuration of neon, calcium also achieve configuration of argon. Aluminium 283 Al 3 plus 3 electron achieve configuration of neon. अब ये कुछ कॉमन कैटायन हम फॉर्मेशन दिखाए जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है, किसका अचीव करता है, इसकी एक लिस्टिंग हमने की, इसको हमको याद रखना है ताकि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड जो है वो हम याद रख सकें, अदरवाइज याद नहीं रहे। इसीलिए ये सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम अल्युमिनियम एटलीस्ट इतने इतने कैटायन्स के फॉर्मेशन को हमको याद रखना है। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ एनायंस, फॉर्मेशन ऑफ एनायंस, एनायंस का फॉर्मेशन, एनायंस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निम्न करने के बाद
एनायन का फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मेशन ऑफ अनायंस। अब देखिए हैलोजन्स, हैलोजन्स कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम सेवन लिखे हैं। अभी फ्लोरीन क्लोरीन की ज्यादा यूज की का ज्यादा हम यूज करेंगे या किसी का भी यूज करें कोई उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो फ्लोरीन का कंफिगुरेशन है 2-7, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फ्लोरीन आयन बनाएगा 2-8। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सीएल माइनस बनाएगा 2-8-7 फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नियॉन का कंफिगरेशन है चेंज किया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आर्गन का कंफिगरेशन है चेंज किया। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसका कंफिगुरेशन है 2-6, अचीव करने के बाद आया 2-8 नियॉन। क्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर, सल्फर का कंफिगुरेशन है 2-8-6 S2- 2-8-8 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन, टू एट, ये 2-5 फॉस्फोरस 2-8-8 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, P3- 2-8-8 नियॉन। हम जो कॉमन एनायन हमको यूज में आने वाला है उसको हम यहां डिस्क्राइब किए, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके नियॉन का कंफिगुरेशन अचीव करता है, क्लोरीन अचीव कंफिगुरेशन ऑफ आर्गन बाय गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन टू अचीव कंफिगुरेशन ऑफ नियॉन बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एज वेल एज सल्फर, सल्फर भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और सल्फर आर्गन का कंफिगुरेशन अचीव करता है, उसी तरह से नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन करके नियॉन का कंफिगुरेशन और फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके आर्गन का कंफिगुरेशन अचीव करता है। तो हमने यहां पर कुछ कॉमन केटायन एंड कॉमन अनायन के फॉर्मेशन को दिखाया। अब यही केटायन और एनायन आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा, एक शेयर करेगा दूसरा, एक गेन लूज करेगा दूसरा गेन करेगा। अब उसका कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। है जिसको हम क्रॉस से दिखा दिए,
क्लोरीन जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, ये हम डॉट से दिखाएं 287, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, यानी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्लोरीन को किया। रिजल्ट क्या होगा? Na पर प्लस चार्ज हो जाएगा, कंफ्यूरेशन इसका 28 हो जाएगा, Cl माइनस 288 हो जाएगा। NaCl एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस बनाएगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बनाएगा, यानी NaCl। अब देखिए CaF2 कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, यह 2 फ्लोरीन एटम को सेटिस्फाइड करेगा। क्यों? फ्लोरीन के पास कैल्शियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 फ्लोरीन एटम एक कैल्शियम से सेटिस्फाइड होगा, इसीलिए फॉर्मूला हम लिखते हैं CF2। फ्लोरीन का कंफिगरेशन 2-7, रिजल्टेंट क्या होगा? Ca2+ 288 और 2F- 28, यानी CaF2। NaCl Na+ और Cl- बनाए, CaF2 Ca2+ और F2- F-। अदर एग्जांपल हम देखते हैं,
Mg3n2. Mg3n2 में 3 Mg 2n को सेटिस्फाई कर सकता है। Mg का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2a2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। नाइट्रोजन को चाहिए 2.5। नाइट्रोजन को चाहिए, एक नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक मैग्नीशियम 2 ही प्रोवाइड कर सकता है, इसीलिए 3 मैग्नीशियम मिलके 2n को सेटिस्फाई करता है। 3 Mg2 plus 2n3 minus 2 8 2 8. AlN, अब यहां देखिए, ये दोनों सेम कंडीशंस हैं। अल्यूमिनियम 2 8 3 plus n, अल्यूमिनियम 5, Al3 plus n3 minus 2 8 2 8। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स डिटेल्स में हम पीडीएफ में लिख के देंगे, लेकिन आप देखिए कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होता है। आयनिक कंपाउंड्स स्ट्रॉन्ग होता है, आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में नहीं, एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। फॉर एग्जांपल, सॉलिड प्योर NaCl क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ NaCl, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। लेकिन उसी को जब हम वाटर में मिला देंगे तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो आयनिक कंपाउंड्स का जो मेन 3 प्रॉपर्टीज है, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, आयनिक कंपाउंड्स हैव ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस अमॉन्ग देम, एंड थर्ड, आयनिक कंपाउंड्स इन फ्यूज्ड स्टेट और मोल्टन स्टेट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। सॉलिड NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2 में फ्री आयन की फ्री आयन एब्सेंस होता है, जिसके कारण वो कंडक्टर नहीं होता है। लेकिन आयनिक कंपाउंड इन एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेटलर्जी स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए goodbye.